जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव राजपुर तिलोरा में पहुंचे राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिरसवार ने 200 रुपए के लिए गोलीकांड में मारे गए संजू के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गांव में दलित समाज खौफ में जी रहा है। राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिरसवार ने जानकारी देते हुए बताया कि अखबार के माध्यम से पता चला कि मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के राजपुर तिलोरा गांव में दबंगों ने घर में घुसकर गोली मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया और दो बच्चे सहित एक युवक घायल हो गया। पहले तो मुझे अखबार से पता चला कि वहां पर कुछ दबंगों ने एक वाल्मीकि परिवार के एक युवा को बिना किसी कारण के निर्दोष उसको गोली मारकर उसके घर में घुसकर हत्या कर दी। उसके बच्चे जो बिल्कुल नाबालिग हैं 4 साल 6 साल के, उनके भी गोलियां लगी हुई थी। देख के दुख हुआ और जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता पूर्वक जो घर में घुस के गोली मारी गई शायद नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे संगठन ये मांग करता है कि उन लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और दबंगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। आप गए वहाँ पर तो क्या स्थिति देखी परिवार? स्थिति ये देखी कि पूरे गांव में केवल 3 घर हैं वाल्मीकि समाज के और वो भी सब बेरोजगार हैं और भूमिहीन हैं, आवासहीन हैं। दहशत का माहौल है, बहुत दहशत का माहौल है। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमें देख कर भी वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन लोगों को मारना आए हों। हमने उनको समझाया कि बेटा विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि जो दलित है उसको उत्पीड़न किया जा रहा है। क्या स्टैंड है दलितों का इस सरकार में? क्या कहां पर खड़े हैं, महसूस कर रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबको एक समान समझते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, लेकिन कहीं जाति दुश्मनाई की वजह से अगर किसी को मार दिया गया तो उसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। रामचरितमानस को लगातार विवादों में रहे, विवादों में बातें की जा रही है, बातें की जा रही है रामचरितमानस को लेकर। ये प्रसाद मौर्य ने भी कई बोले हैं, ये सब फालतू की बात है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी दिन दो चर्चाओं में है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश सचिव इर्दीश खान की टीम ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया और संगठन के विस्तार को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संगठन में अच्छे लोगों को जोड़ा जाए जिन लोगों पर किसी तरह का कोई आरोप ना हो। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।